बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों अपने मंत्रियों पर बेइंतहा प्यार लुटा रहे हैं। कुछ दिन पहले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर वो खुलेआम प्यार बरसा रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने अशोक चौधरी को गले तक लगाया, तो अब वो अपने करीबी एक मंत्री को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर कार्यालय तक छोड़ने तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक कार्यालय पहुंचने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आए और अपनी गाड़ी से जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा को उतारने के बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे अपने आवास के लिए चले गए। दरअसल संजय झा को आज जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था। जनता उनका इंतजार कर रही थी, इसी कारण मुख्यमंत्री खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें जेडीयू कार्यालय छोड़ने के लिए आए। हालांकि इस दौरान पूरे जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। संजय झा ने कहा कि उनका बड़प्पन है, समय की बचत को देखते हुए वह हमें कार्यालय तक छोड़ने आए। कोई अगर कुछ न पहले में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी गए थे नालंदा, पार्टी ऑफिस में ड्यूटी रहता है वर्कर से मिलने वाला, वे नालंदा से वापस आ रही जानकारी थी, ऑन वे थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया मुझे पार्टी के गेट पर। टाइम बच जाएगा, लोग वर्कर वेट कर रहे हैं, अब जाते आते 20 मिनट लगता है, तो मिनट टू मिनट देखते हैं, बोले 20 मिनट लगेगा आने जाने में, तो ड्रॉप ही कर देते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं ये स्वभाव हमेशा समय की उपयोगिता रखना चाहिए। ये कैसे साधना होगा जो ऑफिस से बीच में जा रहे हैं लगातार इन दिनों एक्शन मोड में है सचिवालय, पूरा एक्शन मोड में कि 9:30 बजे ऑफिस पहुंची है। आज ही जैसे था कि भाई हम लोग को 12 बजे आना था, थोड़ा लेट हो गया, बोले समय और लगेगा तो ड्रॉप कर दिए, मुझे यहाँ ड्रॉप किए और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को मेन सेक्रेटरिएट के ऑफिस में बाहर ड्रॉप किए। ठीक है, उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है और समय की उपयोगिता को जानते हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी में से एक हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी कई मुख्य कार्यक्रम और अंदरूनी मसलों पर भी संजय झा से राय लेते रहते हैं।